वेलकम बैक टू माय चैनल ये शिकार्स लिटिल वर्ल्ड एंड आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज बना रही हूँ ये DIY बॉक्स जो कि एक स्वीट बॉक्स है। और मैंने ऐसे ही उसको पहले कलर किया था बट अब वो बेकार हो गया है, तो मैंने उसके लिए वाटर लिया है एक बाउल में और नेसेसरी ही कुछ थिंग्स ली हैं जैसे कलर इलेक्ट्रिक वाले, और उसमें मैंने यूज़ किया है रेड और वाइट, और उन दोनों को मैं एक बाउल में मिक्स कर लूँगी जिससे कि मैं एक न्यू कलर बना लूँगी मिक्स करके जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा स्पेशली गर्ल के लिए। जो गर्ल्स होती हैं उनका वो जो कलर होता है ना पिंकिश वाला, वो वाला मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लगेगा। थोड़ा सा वाइट मिक्स करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में आप उसमें रेड मिक्स करेंगे, हल्का सा वाइट मिक्स करने पर आपको पिंकिश कलर मिलेगा। अगर आप ज़्यादा रेड मिक्स कर देंगे तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग पाएगा, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और वाटर भी कम ही मिक्स करें क्योंकि वाटर से ये बहुत ज़्यादा फ्लॉई हो जाएगा जिससे कि वो यहाँ से बहने लगेगा कलर। एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ कि वो बहने लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है अलग से थोड़ा बहुत कलर वाटर मिक्स किया है, तो वो ही मैं मिक्स करूँगी, फालतू नहीं करूँगी। क्योंकि अगर आप किसी प्लास्टिक या अलग टाइप के मटेरियल पे कलर कर रहे हो तो उसमें कम ही वाटर जाता है, ज़्यादा कलर जाता है उसमें, तो आप उसको अप्लाई कर देंगे।
फिर हम इस एक्वा कलर की हेल्प से वाइट लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ी मोटी होनी चाहिए, ये मैं डिज़ाइन के मुताबिक बना रही हूँ इसको। तो आप ऐसे कुछ लाइनें ड्रॉ कर लें, आप जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा बना रहे हैं, आप किस लिए बना रहे हैं, तो वो आप पर। अब बॉक्स के साइड में भी हमें कुछ कलर को लगाना होगा, एंड उसके लिए मैंने ये ही कलर ले लिया था जो मेरा बचा हुआ था, उसको भी मैंने ये रीयूज़ करके यहाँ साइड में अप्लाई किया, एंड उसे एक लाइनिंग टाइप में ड्रॉ हो गया था, तो वो मुझे अच्छा लग रहा था। आप चाहें तो कोई और कलर भी वहाँ पर बना के अप्लाई कर सकते हैं। कोई डिज़ाइन ड्रो करने के लिए यहाँ पर कुछ पॉल का डॉट्स ड्रो करूँगी जो कि इस पर अच्छे से मैच हो रही थी।